पितृपक्ष का क्या महत्व है, क्या इसका नेगेटिव पॉजिटिव है। आज वो एक मान्यता हो गई है कि पितृपक्ष के दौरान कोई चीजें नहीं खरीदेंगे। कुछ मैंने स्टडी किया है, कुछ अपने गुरु कुछ पंडितों से मैंने मिला है जो सच में जानकारी रखते हैं वेद का, उपनिषद का, शास्त्र का, रामायण का, गीता का। वैसे तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में इस 7 से 8 जगह का फैसला हुआ। गया, हरिद्वार, मथुरा, प्रयागराज, बनारस, उज्जैन, अयोध्या और उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने में उनको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 10 दिन लगता था। नहीं खरीदते थे लोग पितृपक्ष के दौरान किसी चीज को, नई चीज का शुरुआत नहीं करते थे। उसका वजह क्या था वो सब मैं बताऊंगा। हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो सब्जेक्ट लेने वाला हूँ ना, पितृपक्ष। पितृपक्ष का क्या महत्व है, क्या इसका नेगेटिव पॉजिटिव है, थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी के सब्जेक्ट से, प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ और आए दिनों प्रॉपर्टी के जहाँ चर्चा होती है तो ये जो समय चलता है ना, इसको लेके लोग ना बहुत पॉजिटिव ना होके क्या क्या सोचते हैं। मैंने कुछ काम किया है पितृपक्ष पे, कुछ मैंने स्टडी किया है, कुछ अपने गुरु कुछ पंडितों से मैंने मिला है जो सच में जानकारी रखते हैं वेद का, उपनिषद का, शास्त्र का, रामायण का, गीता का। कुछ मैंने काफी सारे लोगों से मिला हूं मैं, उसी संदर्भ में कुछ बातें बताऊंगा पितृपक्ष को लेके, ये क्या होता है, क्यों ये प्रथा डिजाइन हुई और उसका वजह क्या था कि नहीं खरीदते थे लोग पितृपक्ष के दौरान किसी चीज को, नई चीज का शुरुआत नहीं करते थे। उसका वजह क्या था वो सब मैं बताऊंगा। आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सोचते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में। पितृपक्ष डिजाइन इसलिए किया गया कि भाई 365 डेज यानी कि 12 महीने लोग अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं, वो इसलिए समय नहीं निकाल पाते हैं कि अपने देवी देवताओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, माँ बाप दादा दादियों के लिए कुछ ऐसा पिंडदान पूजा, कुछ धर्म स्थल पे जा सकें, कुछ कर सकें। तो इसके ऊपर कहते हैं कि साल का एक ऐसा समय जिस वक्त पे सभी लोग इस चीज को एक फेस्टिवल के तौर पे बोलें, एक रिलीजियस बिलीफ के तौर पे बोलें, इसको कर सकें। तो उसमें डिजाइन हुआ कि चलो इस एक महीने का जो वक्त है, इस महीना, इस तिथि, इस नक्षत्र में इस चीज को रखा जाएगा कि अपने सारे बड़े बुजुर्गों को कुछ दान पुण्य किया जाए, उनके नाम प्रसाद बांटा जाए, कुछ पितृदान किया जाए, कुछ पिंडदान किया जाए। इसके ऊपर ये इवेंट है, ये डिजाइन किया गया पिंडदान का यानी कि पितृपक्ष का। अब नई चीजें नहीं खरीदी जाती है, इसलिए तो मैंने आपको बता दिया कि पितृपक्ष का डिजाइन क्यों हुआ उस एक महीने के दौरान। अब नई चीजें क्यों नहीं खरीद पाते थे लोग, उसका वजह यह था दोस्तों कि जब ये रेडी किया गया पितृपक्ष का इस महीने को होना है, अब पितृपक्ष करने के लिए एक पर्टिकुलर माहौल चाहिए, एक जगह चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसे जगह चुना जाए जहां एक थोड़ी स्पिरिचुअल को लेके, कुछ गंगा जमुना सरस्वती को लेके, कुछ नदियों को लेके, कुछ धार्मिक मान्यताओं को लेके जगह हो। तो इंडिया में कुछ 7 से 8 जगह हैं जहां पे पितृपक्ष का पूजा पाठ होता है यानी पिंडदान किए जाते हैं, जिसमें से गया, हरिद्वार, मथुरा, प्रयागराज, बनारस, उज्जैन, अयोध्या, ऐसा 7-8 जगह है जहां पे ये डिसाइड हुआ कि इस पिंडदान का काम किया जाएगा, जिसमें सबसे फेमस जो जगह है वो बिहार में बोध गया माना जाता है, जो सबसे बड़ा पिंडदान का जगह माना जाता है। वैसे तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में इस 7 से 8 जगह का फैसला हुआ। अब इन 7-8 जगह पे लोग जाते थे दूर दूर से। अभी देखिए, अभी आपके पास यहां से बनारस जाना हो, मुंबई से या कलकत्ता से या दिल्ली से, तो 2 घंटे का ट्रैवलिंग है। उस टाइम पे लोग घोड़े, हाथी, पैदल या बैलगाड़ी से जाते थे और उस जगह पे पहुंचने में उनको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 10 दिन लगता था। और आपको बता दें, यही एक वजह होती थी जिसके वजह से लोग इतने पूजा में, पाठ में, अनुष्ठान में, यात्रा में बिजी होते थे कि चीजों को खरीद नहीं पाते थे। दुकानें पड़ी की पड़ी रह जाती थी, सब चीजें पड़ी की पड़ी रह जाती थी, बिकती नहीं थी, क्योंकि सब लोग पूजा पाठ और अनुष्ठान में लगे रहते थे। इसके लिए प्रथा बनाई गई, क्योंकि भाई चलो वो जो पर्टिकुलर मंथ है जिस मंथ में पिंडदान किया जाएगा, उस मंथ में हमारे पास पूजा और अनुष्ठान के लिए समय नहीं रहता है, इसीलिए हम उस मंथ में कोई चीज खरीदारी नहीं करेंगे क्योंकि समय ही नहीं है उनके पास। तो ये समस्या को ध्यान में रख के उन्होंने इस प्रथा का डिजाइन हुआ था और फिर वो चीजें चलती चली आई और समय के साथ वो जो समस्याओं के वजह से वो प्रथा बनी थी, बाद में वो प्रथा इतनी मजबूत रूढ़ियों में तब्दील हो गया कि आज वो एक मान्यता हो गई है कि पितृपक्ष के दौरान कोई चीजें नहीं खरीदेंगे। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग मानते हैं बहुत स्ट्रांगली और कुछ लोग नहीं मानते हैं। मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ चीजों को सुना है, स्टडी किया है, उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। मेरे को लगा 2-3 दिन इसका स्टडी करने में, इसके बाद में ये वीडियो को आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये थी पितृपक्ष के दौरान कुछ
खरीदना नहीं चाहिए, ये आज की मिथ है, खुद को धोखा देने वाली चीज है। मैंने ये देखा है कि कस्टमर को जब सस्ता मटेरियल मिलता है, सस्ती चीजें मिलती है, तो तुरंत जाके खरीद लेते हैं, फिर कोई पितृपक्ष उनको नुकसान नहीं करता। ऐसे मेरे सामने कई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जो मार्केट के प्राइस से सस्ता था और धड़ाधड़ बिक गया, और वो पितृपक्ष के दौरान लॉन्च हुआ था। और ऐसे मैंने बड़े बड़े ब्रांड में बात कर रहा हूँ, लोधा का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो पितृपक्ष में लॉन्च हुआ और सारा का सारा फ्लैट उनका बिक गया क्योंकि प्राइसिंग बहुत अच्छी थी। आप जब नई चीजें कुछ खरीदते हैं और आपके माता पिता मौजूद हों, चाहे वो स्थूल रूप से हो चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो, आपके देवी देवता माता पिता दादा दादी नाना जिनको भी आप उस पिंडदान में उनको आप स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और आज के डेट में आपको ट्रैवलिंग की चिंता नहीं है। आज के डेट में अगर आपको पिंडदान करना हो बनारस में, गया में, अयोध्या में, 2 घंटे के आप एरोप्लेन लेके जा सकते हैं, तो आपको ये सब चीजें को लेके इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। और इस मंथ में जब आप पिंडदान करते हैं तो उनकी आशीर्वाद आशीष आपके ऊपर बना रहता है, और कोई नई चीजें खरीदते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, उल्टा वो शुभकारी होता है, अच्छा होता है। पूरे वेद शास्त्र में कहीं पे भी पितृपक्ष को लेके कोई नेगेटिविटी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी आज तक मैंने पढ़ा नहीं है, कोई बुक में ग्रंथ में किधर भी ना मैं पढ़ा हूँ ना मैं सुना हूँ और ना मैं जानता हूँ। बस ये लोगों की सुनी सुनाई कहानियों में इतनी बड़ी मान्यताएं लोग लेके चलते हैं, बट ये सब मिथ है, सब झूठ है। और एक बार बता दूं, मेरे बिजनेस के रिलेटेड मैंने देखा है कि पितृपक्ष के दौरान आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, भगवान का तो मर्जी है इसलिए आपको वो चीजें मिल रही है, और मैं तो कई बार देखा हूँ कि बहुत अच्छा नेगोशिएशन हो जाता है। कई बार मैंने प्रॉपर्टी सेल किया है पितृपक्ष के दौरान और अच्छा एक बढ़िया नेगोशिएबल प्राइस होती है, जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो उसी टाइम उसका बेनिफिट ले लेते हैं, 1-2 लाख, 5 लाख रुपए का डिस्काउंट ले लेते हैं, कह रहे चलो इस महीने तो आपका कोई धंधा होने वाला नहीं, आप एक काम करो 5 लाख रुपए कम कर दो, मैं आपका डील करता हूँ। ऐसे भी मैंने देखा है कि इसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए, कि सांसारिक मान्यताओं से ऊपर उठ के आपको काम करना चाहिए, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ नहीं होता। इवन पूर्वज तो आपको साथ देते हैं, अगर आप कुछ अच्छी चीजें खरीदेंगे या नई चीजें खरीदेंगे तो आपके माँ बाप या आपके दादा दादी खुश होकर आपको आशीर्वाद ही देंगे, ऐसा कभी ना हो कि वो आपके लिए भला नहीं चाहें। आप क्या महसूस करते हैं या आप क्या समझते हैं, मेरे बात को लेकर कितने सहमति हैं और कितने सहमति नहीं है, आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा अगर कुछ चीजें जरूरत पड़ी तो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।